गुड इवनिंग सिटार्ट, मैं संजीव और समय है इवनिंग दोष का। हमेशा की तरह वही ब्रीफिंग, कैसा रहा दिन वही तुम सबको बताने के लिए। मैं तो तुम सबको याद करते रहता हूँ, तुम सब कहीं व्यस्त रहते हो तो इस कारण से मैं सोचता हूँ कि तुम सबको ब्रीफ कर दूँ। और कैसा रहा कोई प्रोग्रेस, अपना सब ख्याल रखो तुम सब, ठीक है। और ये जो एबनॉर्मलिटीज़ देख रही हो, जो एक्टिविटीज़ देख रही हो, जो मैं सब कर रहा हूँ, ये अकॉर्डिंग टू पीपल, जो जैसे पीपल होती हैं उसके अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें करना होता है। जब एबनॉर्मलिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों की पागलपनों का दौरा इतना ज़्यादा पड़ता है लोगों का, कि किसी को छू देने से, किसी के सामान चोरी से यूज करने से, या किसी के हाव भाव की नकल करने से, या किसी के सेम जो वस्तु यूज कर रहा है उसकी सेम वस्तु यूज करने से, अगर इस तरह की घात की परिभाषा लोग बना के रखे हुए हैं, तो भाई समाज में जीना तो बहुत मुश्किल है यार। नहीं जी सकता है इस तरह से, तो आदमी सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा, मर जाएगा। टॉयलेट कैसे कर पाएगा, वो मर जाएगा, घुटन से मर जाएगा। इतनी ज़्यादा घुटन होती है सोच के यार, इस तरह की षड्यंत्र हुआ करते थे शुरू से। मैं इस तरह से गंदगियाँ झेल, अरे सोचता हूँ तो यार, जबकि मैं कह रहा हूँ कि जब से ये चीज़ें मालूम हुई है, किसी की, मैं बता रहा हूँ कि किसी की हिम्मत नहीं है कि इस तरह, लेकिन नहीं, जब इस तरह के आखिर इंसानों की ये ऐसे धोखा करते थे ना। और जानती ही हो, ये सब बिना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के नहीं हो सकता। जब तक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, किसकी हिम्मत होगी बताओ ना भाई। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही तो ये सब प्लान बनता है कि ऐसे करो ऐसे करो। मुझे कुछ नहीं, मैं मर्सी के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। और फिर कोई आदमी चोरी से तुम्हारा सामान यूज़ कर रहा है क्या, जबरदस्ती कोई कर रहा है, तो आदमी कहीं कह सकता कि भाई कैसे क्यों छुआ, डांट सकता ना। लेकिन उसका कोई अलग डिस्प्ले होना होगा साइड बैकडोर से, भाई आपका इतना घिनौना, तो भाई अगर ये पहले मालूम हो तो आदमी ऐसे लोगों पे थूकेगा नहीं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। क्यों आदमी गंदगी में ऐसे घूरेगा, चाहे वो कितना भी अपने आप को वो बनता हो, कितनी खूबसूरत हो वो अपने आप को, कौन गिरेगा यार। तो ये सब चीज़ें हैं सब। और एक बात और बताऊँ कि सबसे जो ये रंग और ये संख्याओं का जो इस समय तुम गड़बड़ झाला देख रहे हो, जो मैंने इधर मार्किंग करनी बंद कर दी है, भाई मैं जानता हूँ ना कि ये सब चीज़ें क्या हैं, इन कमियों को, भूलों को मैं क्यों बताऊँ, इनको मैं क्यों बताऊँ। ये ऐसे उलझ के ऐसे करते रहें, ये एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ज़्यादा चिंता है, इनके बाप का नंबर है, ये रंग इनके बाप का है, फड़फड़ा रहे हैं, ये अपनी जिंदगी नहीं संभाल पा रहे हैं, औरों की निजी ज़िंदगी में झांकना बहुत ज़रूरी है। अरे ये सब बहुत बड़े लतखोर हो चुके हैं, इनको कंट्रोल बहुत ज़रूरी है करना है। ये जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं सब, ये एकदम एबनॉर्मल है। ये क्या एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे सब, क्या प्रशासन, ये क्या लोगों की सुरक्षा करेंगे सब, ये समाज में इस तरह का फ्रैक्शन फैला के रखे हैं। समाज अजीब अजीब तरह की हरकतें कर रहा है, अजीब अजीब, जैसे कहते हैं ना, अजीब तरह के बिहेव मैं देख रहा हूँ समाज में, एबनॉर्मल बिहेव देख रहा हूँ। वो समाज में एकदम एक तनाव जिस तरह का महसूस कर रहा हूँ, ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात। किसी चीज़ को कोई जबरदस्ती थोड़ी ही कर सकता है यार किसी के। और फिर जब एक तरह से ये पूरा सिस्टम जब इन्वॉल्व होता है किसी चीज़ में, कोई चीज़ जबरदस्ती थोपना यार, ये पूरा किसी को, जैसे होता ना कि रिमोट से किसी को चलाया जाता है, ये संजीव दुबे को इस तरह चलाने की कोशिश करते हैं। तुम देख रही हो कि हर चीज़ जो होता है ये पहले से फिक्स, ये आज यहाँ यहाँ जाएंगे, ऐसे करेंगे, आज वहाँ नहीं गया तो ये वहाँ जाएगा, क्योंकि इन्होंने पहले ही से पूरा प्री प्लान करके ही संजीव दुबे के लाइफ में किया हुआ है कि ऐसे जगह पे मकान हो कि जहाँ परचेजिंग सेलिंग का कोई वो सोर्सेज ना हो, रूरल एरियाज हो, वो किस दिन क्या होगा, कैसे निकलेगा, कैसे क्या, ये पूरा सिम्टम बना के, पूरा एक प्लान बना के किस तरह से इसके उसके अकॉर्डिंग करते हैं, कैसे इलेक्ट्रॉनिक हैकिंग है, कैसे EMI नंबर से कैसे करते हैं, कैसे ऑनलाइन से आपको डिस्टर्ब करते हैं, ये सब बढ़ गई, मतलब करके कोई चीज़ अपनी अकेले ऐसे नहीं थोप सकते। ये बिना इनकी भड़ुई की सहमत, जिसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, बिना सहमति से ये सब कोई नहीं कर सकता यार। ये तो मैं संजीव दुबे तो सिर्फ एक बीच में बहाना होते हैं। तो इसलिए भैया ऐसे लोगों से मैं हाथ जोड़ के वो कहता हूँ कि वो अपने साइड आउट रहें, अपनी जहाँ इंजॉय करें, जहाँ जहाँ खुश रह सकते हैं खुश रहें। ऐसे लोग भैया मुझे मत डिस्टर्ब मत करें प्लीज़। चलो मैं अपने लॉयल लब से यही कह सकता हूँ कि मेरी बातें बुरी लगती होगी, चुपती होगी बहुत से लोगों की, कि जो ख्वाब थे वो टूट गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो रही थी। और जब
जब मैंने उनको सबको अपनी वास्तविकता बताई तो उनको जब ये लगा कि नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता, तो भाई बहुत से लोग अपने आप कट लिए, ठीक भी अच्छा ही भी हुआ। चलो मेरे लॉयल लव, सभी को बहुत ढेर सारा प्यार, अपना ख्याल रखो, टेक केयर, लव यू एवरीबॉडी, बाय बाय, गुड नाइट।